आफाक खान लिबरल्स के इंतहाई चाहिए खुद सावेज की पोस्ट मेरी नजरों के सामने से गुजरती रहती हैं रिसेंटली पोस्ट की जिसमें कोट करते हुए यह कहा उसका कहना था वो लोग जो कहते हैं कि सब कुछ तकदीर में लिख दिया जा चुका है इसके बावजूद वो लोग सड़क पार करते हुए दाए और बाएं देखते हैं याद रहे कि स्टीफिन हॉकिंग कहा करता था कि नउूजबल्ला खुदा नहीं है लेकिन आज खुदा मौजूद है लेकिन स्टीफिन खुद मौजूद नहीं है अब इस बात का एक जवाब यह भी हो सकता है कि हां अगर यह सब कुछ तकदीर में लिख दिया जा चुका है तो इसका मतलब यह है कि वो जो सड़क पार कर रहा है सिर्फ किसी पोस्ट पर रिएक्ट नहीं कर रहा बल्कि एक सोच है जो के हमारी अवाम को कंफ्यूज करने के लिए की जाती है और यह सवाल बहुत पुराने सवाल यह कोई नया सवाल नहीं है और इन सवालों के जवाब

कंट्रोल नहीं है इस वजह से हम आजाद हैं और जो चाहें करें तो ये इस तरह की सोच को हमारी عوام में जो है वो डाउनलोड करवाया जा रहा है कि किसी तरीके से हमारी عوام गुमराह हो जाए एक जगह में और पढ़ा था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबी ने पूछा कि सब कुछ हमारी तकदीर में लिख दिया जा चुका है तो हम क्यों वरी करते हैं क्यों मेहनत करते हैं तो आगे से जवाब आया कि सब कुछ आपकी तकदीर में लिख दिया जा चुका है लेकिन आप अपनी मेहनत करते रहें जो भी आपकी तकदीर में लिखा होगा वो आपको आसानी से मिल जाएगा मिसाल के तौर पे अगर आपकी तकदीर में कोई परेशानी लिखी है तो उस परेशानी के लिए आप मजबूत हो जाएंगे कोई नुकसान लिखा है तो उस नुकसान के लिए आप मेंटली रेडी हो जाएंगे कोई खुशी लिखी हुई है तो आप उस खुशी पर शुक्र अदा करेंगे और आपको यह पता होगा कि आपकी तकदीर में लिखा था लेकिन अल्लाह ताला ने इसके लिए आपको आसान कर दिया एक और बात यहां पर यह भी है कि हजरत अली रजी अल्लाह तु का कॉल है कि जो लोग इस तरह के उनवानात पर डिबेट करने की कोशिशें करते हैं जो इस तरह के जवाब को जानने की कोशिश करते हैं उससे मुराद ये है कि वो एक ऐसे रास्ते पर चल रहे हैं जहां पर कोई लैंप मौजूद नहीं है जहां पर कोई रोशनी मौजूद नहीं है ये सिर्फ़ एक अंधेरे रास्ते की जानब जाना है जिसकी कोई मंजिल नहीं है तो ये जो हमारे साख्ता साइंसदान होते हैं ये इस तरह के लोगों की कोर्ट को पोस्ट करके ये दिखाना चाह रहे हैं कि ये देखें स्टीफिन हॉकिंग तो इतना बड़ा जो है वो उसको इंटेलिजेंट दुनिया का करार दिया गया था तो अगर उसने ये बात की है तो ठीक होगी ऐसा हरगिज़ नहीं है दुनिया का अक्लमंद तरीन आदमी अगर कोई बात करे ज़रूरी नहीं कि वह बात ठीक होगी और मेरे जतीी तौर पर मेरी पर्सनली ये ये राय है कि मैं किसी शख्स को तब तक अकलमंद मान ही नहीं सकता जब तक वो ये न कहे कि ये दुनिया किसी ने बनाई हुई हो एक इतनी बेसिक चीज के ऊपर अगर कोई आ, यकीन न कर सकता हो और फिर वो ये कहे कि वो अकलमंद तरीन है तो आई डोंट थिंक कि वो अकलमंद तरीन है दूसरी इन्होंने पोस्ट की थी कि भाई मस्जिद में ये ओलमां ने फतवा दिया है कि जो मास्क पहनकर नमाज पढ़ते हैं तो वो नमाज नहीं होती मुझे इस फतवे के बारे में ऑफिशियली तो नहीं पता लेकिन ये बेहूदा किस्म की पोस्ट जो इन्होंने की तो इसमें कोई ऑफिशियल फतवा नहीं था बल्कि किसी की इंस्टाग्राम पोस्ट इन्होंने शेयर की थी जिसमें उनका कहना था कि भाई औलामा ने ऐसा कहा है हालांकि अगर इसके लिए देखा जाए तो कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है इस्लाम में यह तो किसी आलिम दीन से पूछने की जरूरत भी नहीं है कि जहां पर आपका उजर हो वहां पर अल्लाह ताला ने आपको फ्लेक्सिबिलिटी दे दी है जहां पर आपके लिए कोई चीज मुश्किल हो वहां पर वो चीज आसान कर दी गई है इतना आसान मजहब है कि अगर आपसे खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ी जाती तो बैठ कर पढ़े बैठ कर नहीं जाती तो लेट कर पढ़े लेट, लेट कर नहीं पढ़ी जाती तो इशारों से पढ़ें सफर में आपके लिए नमाज माफ है बहुत सारी ऐसी जगहों पर जो है वो आपके लिए फ्लेक्सीबिलिटी है सो आई डोंट थिंक इस तरह की पोस्ट करने से येमा को बदनाम कर सकेंगे तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि इस पोस्ट को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा मैं हर पोस्ट पर रिएक्ट तो नहीं करना चाह रहा था लेकिन यह जब मुझे इसका बैकग्राउंड पता चला कि क्यों इस तरह की चीजों को शेयर किया जाता है सो आई थॉट के आई शुड मेक अ वीडियो अबाउट इट अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है और बेहूदा पोस्ट से आप भी जो है बिल्कुल क्या कहते हैं आपका दिल खराब हो चुका है तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा थैंक यू वेरी मच टेक केयर अल्लाह